बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बुधवार को सुबह 11:30 पर कैबिनेट की बैठक होगी। पुराना सचिवालय के कैबिनेट हॉल में यह बैठक होगी। दिवाली और छठ पर्व को लेकर पिछले 2 सप्ताह से कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई गई है। जानकार सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में सरकारी सेविकों और पेंशनधारियों के डीए को लेकर अच्छी खबर आ सकती है। सरकारी सेविकों और पेंशनधारियों के डीए में इजाफा किया जा सकता है। डीए 42% से बढ़कर 46% करने पर मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है। सरकारी सेविकों और पेंशनधारियों को वर्तमान में 42% महंगाई भत्ता का भुगतान होता है। 7वें वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मियों और पेंशनर को यह लाभ मिल रहा है। डीए में 4% का इजाफा किया जाएगा। डीए को 42% से बढ़ाकर 46 किया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद बिहार के 5 लाख सरकारी सेविकों को फायदा मिलेगा, जबकि इतने ही पेंशन भोगी इसके लाभान्वित होंगे। 1 जुलाई 2023 से इसका आर्थिक लाभ मिलेगा। दिसंबर के सैलरी में एरियर दिया जाएगा। सरकारी सेवक और पेंशनधारी को 4% डीए का बेसब्री से इंतजार है। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए मिलने के बाद यह इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है। दशहरा बीता, दिवाली निकला, छठ पर भी निकल गए। केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारियों को डीए में इजाफा पहले ही किया गया है। 18 अक्टूबर को मोदी कैबिनेट में यह फैसला लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार त्योहारी तोहफा देते हुए कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।